पिछले दिनों भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार के चलते हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडे द्वारा जहर खाने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी नैनीताल के बीच हुई वार्ता के बाद निर्णय लिया गया कि मृतक प्रकाश की पत्नी को सरकार ग्रेड 3 यानी समूह ग की सरकारी नौकरी देगी। इसके अलावा 12 लाख रूपए की आर्थिक मदद भी देगी, जिसमे 2 लाख रूपए तत्काल और बाकी 10 लाख रूपए की धनराशि 1 महीने के अंदर दे दी जाएगी। इस ऐलान के बाद मृतक प्रकाश के परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव उठाने दिया। ट्रांसपोर्टर मृतक प्रकाश का अंतिम संस्कार रानीबाग के चित्रशिला घाट पर किया गया। देर रात प्रकाश का शव हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। प्रकाश के परिजनों ने मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर आज अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं उठाने दिया, जिसके बाद आज डीएम और मुख्य सचिव से वार्ता के बाद सरकार ने 12 लाख मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है, जिस पर 1 महीने के अंदर कार्यवाही हो जाएगी। इस बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। मैंने मुख्यमंत्री से कल और परसों दोनों दिन बात करी, आज मैंने बात करने से इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री की घोषणा आज अखबार में छपनी चाहिए थी, वो नहीं छपी तो मेरी नाराजगी थी। इस बात पर मैंने कहा आप चीफ मिनिस्टर के प्रतिनिधि हैं, ये आश्वासन दीजिए कि क्लास 3 में उनकी पत्नी को नौकरी कब देंगे। नंबर 2, मिनिमम 10 लाख रुपये, मैक्सिमम जो देना चाहे उसकी घोषणा करिए। तो इन्होंने कहा 12 लाख रुपये देंगे हम, ये तय हो गया हमारा, और नौकरी 1 माह के अंदर नियुक्ति पत्र दे देंगे उनकी पत्नी को क्लास 3 में। ये कहा इनका घोषणा करिए, ये अब उनके घर वाले जाने इसे। सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच पाया, सरकार क्या लगता है कि संवेदनशील है इस पूरे मामले में? अब उनके तो एमपी, मिनिस्टर, प्रतिनिधि, पदाधिकारी, संगठन के लोग सब यहीं रहते, अब नहीं आ रहे तो अब ये तो वो जाने। हम लोग तो हम पहले दिन से थे यहाँ और इनका परिवार तो उनसे ही जुड़ा हुआ है, अब ये तब भी नहीं आ रहे तो इसका मैं क्या जवाब दूँ? जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक परिवार की हालत को देखते हुए सरकार ने 12 लाख की धनराशि के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा मृतक के बेटे की पढ़ाई भी आगे जारी रहेगी और मृतक की पत्नी को ग्रेड 3 की नौकरी भी देने का ऐलान किया है। देखिए जो ये हादसा हुआ है इसका हम सब लोगों को बहुत दुख है और पीड़ित परिवार के साथ मेरी काफ़ी देर वार्ता भी हुई। इनकी प्रमुख ये था कि इनको तत्काल जो आर्थिक सहायता, परिवार की स्थिति बहुत खराब है तो सरकारी स्तर पर जो मुख्य सचिव महोदय और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं बंसीधर भगत जी, उनकी माननीय सीएम साहब से बात हुई थी और 10 लाख की घोषणा शासन स्तर से हुई है और जो नागरिक संगठन है यहाँ पर जो सहयोग करना चाहते हैं परिवार को, 2 लाख उनके द्वारा दिया जाएगा और जो इनकी मैडम है क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं उनको यहीं पर लोकल स्तर पर हल्द्वानी में कहीं संविदा में उनको 30 दिन के अंदर हम लोग एडजस्ट करेंगे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। प्रकाश पांडे की मौत के बाद व्यापारियों में जैसे हड़कंप मच गया, जिसके बाद कल शाम ही व्यापारियों ने हल्द्वानी बाजार को बंद रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी व्यापारियों के हित में नहीं है, इसके चलते एक व्यापारी ने जान दे दी और प्रकाश के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे बीच के व्यापारी जिन्होंने जीएसटी और नोटबंदी जैसे अहम मुद्दे पर, जो हमारा एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें पूरा हमारा भारतीय व्यापार मंडल संघर्ष कर रहा है, जिसके सुधारों के लिए जिसके निरंतर प्रयासरत हैं, उसके लिए एक व्यापारी ने बलिदान दिया है तो उसमें हम सब बड़े दुखी मन से उस व्यापारी के बलिदान को हम यहाँ पर देख रहे हैं और उस व्यापारी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज हल्द्वानी व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से सभी व्यापारियों ने बंद रखा हुआ है और ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी बंद हैं। ट्रांसपोर्ट पूरा उत्तराखंड में आज बंद का आह्वान किया गया है तो ये एक अहम मुद्दा है। ये मुद्दा सिर्फ यहीं हमारे हल्द्वानी का नहीं है, ये मुद्दा पूरा देश का है और इस देश के मुद्दे में जहाँ तक हम केंद्रीय नेतृत्व से अपील करते हैं कि जीएसटी जैसे प्रावधान को, जिसमें जो कि बहुत ही विकसित और बहुत ही एडवांस जो है कर प्रावधान है, उसको सुधार किया जाए। उसमें इतना सुधार की ज़रूरत है या हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक बनाया जाए कि हम उस इस जीएसटी प्रणाली को अपना सकें। कर्ज में डूबे प्रकाश पांडे की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने जो ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे के परिजनों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है वो ऊंट के मुंह
मुंह में जीरे के समान। सरकार को चाहिए कि मृतक के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे, क्योंकि व्यापारी के ऊपर जो कर्ज है उसकी भरपाई भी सरकार की मदद से नहीं हो पाएगी। प्रकाश पांडे जी ने जनता दरबार में खुले शब्दों में कहा कि मैंने जहर का सेवन किया है, जीएसटी और नोटबंदी से मेरा व्यापार तबाह हो गया है, मेरे परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और अन्य तमाम लोगों से गुहार लगाने का काम किया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी और अंतोगत्वा हताश होकर के उन्हें जो है मौत गले लगानी पड़ गई। और जब मैं उनके परिजनों से मिला तो उनके परिजनों का बड़ा स्पष्ट आरोप था कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि सरकार द्वारा की गई हत्या है। व्यापारी प्रकाश पांडे की मौत के मामले में आज रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मृतक प्रकाश पांडे की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। कांग्रेस नेता दिनेश कौशिक व नगर अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि प्रकाश पांडे पता नहीं किस तरह से अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, उसने सरकार की नीतियों से तंग आकर आत्महत्या की है। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो हल्द्वानी में हमारे व्यापारी थे भाई स्वर्गीय प्रकाश पांडे जी, उन्होंने जो आत्महत्या की है, मैं कहना चाहूँगा कि जो आत्महत्या के समय या किसी हत्या के समय जो मरने वाला है मृतक यदि वो कोई बयान देता है तो जिसके खिलाफ बयान देता है उसके खिलाफ आत्महत्या करने का मुकदमा दायर होता है। और उसने क्लियर कहा शब्दों में कि मुझे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मोदी की सरकार ने प्रेरित किया, नोटबंदी और जीएसटी ने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं उसको अपने परिवार का नाश देख रहा हूं और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तो मैं मांग करता हूं इस मंच से रुड़की के कि मोदी जी के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मुकदमा उनके खिलाफ कायम होना चाहिए जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ मरने से पहले बयान दिए। भाजपा सरकार का पुतला फूंका है हमने और नोटबंदी जीएसटी को लेकर पांडे जी ने जो आत्महत्या करी उसने खुल के बताया था कि मेरे पे कारोबार के लिए एक एक पैसा नहीं, मैं खाने के लिए मोहताज हुआ और उसकी वजह से उन्होंने जहर खाना पड़ा, उसे लेके हमने भाजपा का सरकार का पुतला फूंका। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्टर पर जीएसटी का कोई औचित्य नहीं है, सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टरों को परेशान किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को प्रकाश पांडे को मुआवजा दिया जाए नहीं तो ट्रांसपोर्टर सरकार को घेरते हुए आंदोलन करेंगे। जनसेवा पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते पहले जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे आज जीएसटी नोटबंदी के कारण आम व्यापारी भी परेशान है, जिसका जीता जागता उदाहरण ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे है। सरकार द्वारा उसको मुआवजा देने के साथ साथ उसके सभी कर्ज को माफ किया जाए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो जनसेवा पार्टी राज्य भर में आंदोलन कर सरकार को घेरेगी। प्रकाश पांडे जी हल्द्वानी से चल के और यहाँ पे आए हैं और यहाँ बीजेपी महानगर उसमें कार्यालय में जो वो लगा था दरबार और वहाँ पे शिकायतें सुनी जानी थी, उसकी किसी ने शिकायत नहीं सुनी, वो जीएसटी से परेशान था, जो पहले से सरकार की घोषणाएं हैं, पहले नोटबंदी उसके बाद जीएसटी, छोटा व्यापारी इससे बहुत परेशान हो रहा, दुखी हो रहा और पहले किसान यहाँ आत्महत्या कर रहा था, अब पहली बार आपको देखा जा रहा है कि अब व्यापारी भी आत्महत्या करने लगा है इस सरकार की नीतियों से। तो इस सरकार की नीतियों के विरोध में हम उसका सरकार का पुतला जला रहे हैं आज आपके सामने जलाया है और हम मांग करते हैं कि जो पांडे जी के साथ जो घटना हुई है भगवान करे उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके घर वालों को जो है हम चाहते हैं कि मुआवजा प्रदान करे ये जो सरकार है और उनको जो है उनके जितने भी उनके कर्जे थे उनको माफ करें। क्राइम स्टोरी के लिए संवाददाता हर्ष तनेजा, संवाददाता मिक्की जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून।